मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, पांडी ग्राफ जनित्र। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं 12 का प्रत्येक नया नया टॉपिक लेकर आता रहूँगा, जिसके लिए मेरा देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें, और ताकि आपको नया नया टॉपिक मिले। आज मैं लेकर आया हूँ वांडी ग्राफ जनित्र, जो नेक्स्ट एग्जाम में 2021 के 12th एग्जाम में पूछने वाला है। और ये VVI क्वेश्चन है, ये आपको VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, मैं आता हूँ टॉपिक पे। ये क्वेश्चन है वांडी ग्राफ जनित्र है, जो सन 1931 में वांडी ग्राफ ने इसका आविष्कार किया था। और इसका मैं प्रिंसिपल बताता हूँ। ये प्रिंसिपल है और इसका संरचना है और वर्किंग, ये कैसे काम करता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये किस लिए हानिकारक भी होता है, सबके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पे ये वांडी ग्राफ जनित्र है। ये अर्धगोला खोखला चालक का एक अर्धगोला है। ये जैसे कि नारियल को आप देखेंगे, नारियल के अगर बीच से काट दीजिएगा तो उसका जो आकृति रहता है खोखलाकार गोला, वो चालक है। ये कंडक्टर है, कंडक्टर का खोखला अर्धगोला है, जिसे विद्युत रोधी मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। कुचालक पदार्थ जैसे कि लकड़ी हो गया, लकड़ी पे इसको रख दिया जाता है। अर्धगोला चालक को एक लकड़ी पे रखा जाता है, लकड़ी की सहायता से इसे खड़ा किया जाता है। और इसमें दो पुली लगा दिया जाता है, P1 P2, दो पुली है, गिरनी है, जिसे एक मोटर आर्मेचर द्वारा इसको ये सेट किया जाता है, मोटर द्वारा इसको सेटिंग किया हुआ रहता है। ये पुली में एक बेल्ट लगा दिया जाता है, बेल्ट रहता है विद्युत रोधी, जो कुचालक बेल्ट इसमें लगा दिया जाता है। और ये पुली में दो कंघी टाइप का, ये कंघी देखे होंगे आप, कंघी का इस टाइप का, ये इस टाइप का कंघी टाइप का ये लगा दिया गया है। C1 C2 दो इसमें लगा दिया गया फुहार कंघी। एक कंघी आपको पॉजिटिव चार्ज हायर पॉजिटिव चार्ज से जोड़ दिया गया है C1, और C2 जो है ये अर्धचालक गोला से कनेक्ट करके जोड़ दिया गया है। अब इसमें इसका जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल मुख्यतः एक ही सिद्धांत पे काम करता है। जैसे कि इसका प्रिंसिपल यही है कि किसी भी धातु के नोक पर आवेश घनत्व अधिक हो जाने पर वहां से आवेश का फुहार होने लगता है। ये एक प्रिंसिपल है जो आप पढ़े होंगे ये पिछले वाले चैप्टर पर। मैं इस टॉपिक को भी लेकर आऊंगा कि कैसे आवेश घनत्व फुहार होने लगता है। किसी भी धातु, अगर कोई भी धातु है, अगर इस पे नोक बना दिया जाए, ये नोक बना दिया जाए, अगर इस पे आवेश का अगर आवेश घनत्व अधिक हो अगर हो जाएगा, तो यहाँ से आवेश का क्या होगा, फुहार जंप कर जाएगा। किसी भी धातु के नोक पर आवेश घनत्व अधिक हो जाने पर वहां आवेश का फुहार मतलब जंप करना स्टार्ट कर देता है। उसी सिद्धांत पे ये काम की हुआ फिकर किया जाता है होता है। यहाँ C1 जो फुहार कंघी इसको बोलते हैं, जो फुहार कंघी है C1, इस पे इसको हायर वोल्टेज प्लस चार्ज से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। जब इस पे प्लस चार्ज का अधिकता होती है, माने कि इस पे आवेश घनत्व अधिक हो जाता है। अब इसका संरचना आपको बता दी है कि ये अर्धगोला चालक है और ये कुचालक, माने कि लकड़ी पे या अर्ध कुचालक पे ये टिका हुआ रहता है। इसमें दो पुली है, गिरनी है, P1 P2, और ये मोटर द्वारा माने कि आर्मेचर द्वारा इसको सेट किया गया है P1 P2 को। इसमें दो कंघी है, कंघी टाइप का मेटल है, मेटल कंघी टाइप का है, जो जिस पे आवेश घनत्व अधिक हो जाने पर वहां से फुहार करने लगे। एक कंघी को ये अर्धगोला से जोड़ दिया गया है, एक कंघी को हायर पोटेंशियल से जोड़ा जाएगा। ये इसका संरचना बता दी है। अब ये वर्किंग काम कर कैसे का, ये प्रक्रिया होती कैसे है, सो बताते हैं। होता क्या है इसमें कि जब C1 कंघी को, इसको फुहार कंघी बोलते हैं, फुहार माने कि आवेश का यहाँ से क्या होता है, फुहार होने लगता है, जंप करता है, ठीक ना। तो C1 कंघी पे जब प्लस चार्ज जोड़ देते हैं, प्लस चार्ज से कॉन्टेक्ट कर देते हैं, तो इसके नोक पर क्या होगा, आवेश अधिक हो जाएगा, आवेश घनत्व अधिक हो जाएगा। आवेश घनत्व जब अधिक होगा तो इस पे से आवेश घनत्व क्या करेगा, इस बेल्ट पे जंप कर जाता है। जब बेल्ट पे आवेश घनत्व जंप करता है तो बेल्ट को आर्मेचर मतलब मोटर द्वारा
घुमाया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। अब प्लस चार्ज घूमते 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 मानी कि बेल्ट द्वारा ही नष्ट चले जाता है, पूरा बेल्ट पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। जब इस पूरा बेल्ट पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और एक चीज और समझाना चाहेंगे, जैसे कि एक ये मेटल ले लो, एक ये मेटल ले लो, ये इसे आप पूरी तरह से इसे आप निगेटिव चार्ज बना दो, निगेटिव चार्ज रख दो, माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज रख दो। जैसे ही ये निगेटिव चार्ज रख दोगे, और ये मेटल है, ये नॉन चार्जिंग है, माने कि इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, ये निगेटिव चार्ज को जैसे ही ये मेटल के सामने आप लाइएगा, जैसे इस मेटल के सामने लाइएगा तो क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज अपने तरफ क्या पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, सारा पॉजिटिव चार्ज इसके सामने हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और लास्ट में ये क्या होगा, जंप करके ये दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाएगा, उसका सेकेंड में ये क्या बचेगा, ये निगेटिव चार्ज से आवेशित हो जाएगा, ये वाला P1, मान लो ये P1 है, ये P2 है, P2 निगेटिव चार्ज पहले से मैंने कर रखा था, जैसे ही इस मेटल के पास लाया तो यहाँ का सारा पॉजिटिव चार्ज इसके तरफ आकर्षित हो गया, एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, और इसमें क्या बच गया, ओनली फॉर निगेटिव चार्ज। यही प्रक्रिया, सेम यही प्रक्रिया यहाँ पे भी होती है, जब इसको हायर पोटेंशियल प्लस चार्ज से इस फुहार कंघी को जोड़ देते हैं तो इसपे से क्या होता है, प्लस चार्ज इस पे जंप कर जाता है। इस पे मैं बना दे रहा हूं आपको, जंप कर जाता है, और उसके बाद इसको जब इस आर्मेचर को घुमाया जाता है मोटर के द्वारा, तो यहाँ से प्लस चार्ज घूम के कहाँ चल जाता है, इस नोक पर, ये फुहार कंघी के, ये कंघी के पास चल जाता है, ये कंघी संग्रहित कंघी, मतलब ये आवेश को क्या करता है, संग्रहित कर देता है। जब इस कंघी के पास प्लस चार्ज आ जाता है तो इस पूरे गोला पर क्या है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों रहता है पहले से, माने कि न्यूट्रल गोला है, इस पर कोई आवेश नहीं है। जब यहाँ पे प्लस आवेश आता है इस कंघी के द्वारा, ये जब बेल्ट घूमता है यहाँ से प्लस चार्ज फुहारों के इस पे आता है, और जब ये आवेश यहाँ से यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें का जो माइनस चार्ज है, इस गोले पे का जो माइनस चार्ज है वो क्या होगा, इस कंघी के नोक पे आ जाएगा, इस गोले का जो माइनस चार्ज है इस कंघी के नोक पे आ जाएगा, जितना भी माइनस चार्ज है सब यहाँ नोक पे आ जाएगा। और जब यहाँ माइनस चार्ज निगेटिव चार्ज जब यहाँ नोक पे आता है, माने कि ये कंघी के नोक पे आएगा, वहां आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज का अधिक हो जाएगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को जंप करके न्यूट्रल हो जाएंगे। तो मेरे ये पूरे न्यूट्रल हो जाएंगे, जितना भी निगेटिव चार्ज है सब यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद इस पर सिर्फ क्या बच जाएगा, ओनली फॉर प्लस चार्ज, सिर्फ प्लस चार्ज इस पूरे गोले पे बच जाएगा। क्या हुआ क्रिया, पहले इस पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों था, माने कि नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, इसमें से माइनस चार्ज क्या हुआ, इस प्लस के चार्ज के साथ न्यूट्रल हो गया, और इस पे ओनली फॉर क्या बच गया, प्लस चार्ज। इसके तहत इस पे 10 लाख वोल्टेज इसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उपयोग होता है किसी भी इसका उपयोग सबसे बड़ा इसका इसमें क्या होता है कि 10 लाख वोल्ट उत्पन्न होता है। एक्स किरणें में इसका उपयोग होता है, प्लस में किसी भी परमाणु को विखंडित तोड़ने के भी प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है। ये हानिकारक इसलिए है क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है, और 10 लाख वोल्ट होने की वजह से ये भी एक खतरनाक है, और इसको वांडीग्राफ जनित्र 1931 में इसका आविष्कार किए थे। इसका प्रक्रिया और वर्किंग प्रोसेस मैंने बतला दिया, प्रिंसिपल बतला दिया है, और इसका संरचना भी मैंने बतला दिया है, और मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। मैं फिर नेक्स्ट चैनल लेकर आऊंगा साइक्लोट्रॉन
और ट्रांसफार्मर मैं 10+2 का जो भी फाइनल एग्जाम होगा उसमें जो भी क्वेश्चन पूछता है मैं सारा प्रत्येक दिन का वीडियो में मैं आपको देते रहूँगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आपसे अनुरोध है कि जो मैं बतलाया हूँ इसको आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको लेकर अपना।